आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण के तहत मतदान 10 फरवरी को होगा। इसी कड़ी में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज 22 तारीख है और 22 तारीख के दिन वह शपथ लेते हैं कि अगर 2022 में उनकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो वह 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे। और भी उन्होंने कई सारे वादे किए हैं, तो आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 स्किल नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले रोजगार मिले उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे क्वालिटी जॉब होगा एजुकेशन जो कर के इंजीनियरिंग करें उनको नौकरी देने रोजगार देने का काम समाज सरकार में उस दिशा में काम करेगी। तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।